क्या विंटर आते ही आपकी स्किन बहुत डैमेज दिखाई दे रही है, उसमें हल्के हल्के दाग आ गए हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, आपको धूप में बैठने की वजह से सनटैन भी हो गई है और आपके चेहरे का ग्लो एकदम चला गया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको विंटर्स में शुरू हो जाती हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ना तो मैं आज आपको सीरम बताने वाली हूँ, ना मैं फेस पैक बताने वाली हूँ, ना स्क्रब बताने वाली हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसे आप एक बार लगाओगे तो रिजल्ट एक बार में ही दिखेगा, फिर आपकी मर्जी, आप जितना लगाना चाहो, कंटिन्यू करना चाहो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एकमात्र मेरे पास है, तो चलो मैं बताती हूँ आपको। मैंने सबसे पहले इसमें लिया है मुलेठी पाउडर। अब आप सोचोगे मुलेठी पाउडर क्यों, ऑरेंज पील पाउडर भी तो ले सकते थे, लेकिन हाँ, आपको सनटैन निकालना है, आपको ग्लो वापस लाना है, आपको एक प्रॉब्लम नहीं है, आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर वही है जो आपको गले की खराश को कम करता है, जो आपके पेट के डाइजेशन को अच्छा कर देता है, जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन आपके फेस की शाइन कितने अच्छे से लौटा सकता है ये आप डाल के देखो। मुलेठी पाउडर आपके घर में है ना हो तो आप ऑरेंज पील पाउडर डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास है तो आप मुलेठी पाउडर के चमत्कार देखो कितने ज्यादा है उसमें। इसके बाद आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी, आपको आमा हल्दी लेनी है, घर की खाने वाली हल्दी नहीं लेनी है। आमा हल्दी ये है जो आपकी चोट में काम आती है, जो आपके बहुत सारे टैन को निकाल देती है, जो आपके कलर को फेयर करने का काम करती है, लेकिन खाने में यूज नहीं आती, ये बहुत कड़वी लगती है, तो आपको लेना है थोड़ी सी आंबा हल्दी। थर्ड चीज आपको जो लेनी है वो है थोड़ा सा हनी। हनी आपके फेस की चमक को वापस ले आएगा, आपके फेस की मुलाजमत की अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, दाग बढ़ रहे हैं, तो उनको कम करने का काम भी कर देगा, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व होती हैं। तो हमने थोड़ा सा हनी ले लिया है। इसके बाद मैंने दोनों सा लिया है ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन आपके चेहरे की जो विंटर की वजह से ड्राइनेस आई है उसको खत्म करने का काम करेगा। अब आप ये सोचेंगे इस पेस्ट को घोलना किससे है, तो आपको लेना है 1 चम्मच कच्चा दूध। ये आपके फेस में सब चीजें मिलके एक मिरेकल का काम कर देंगी। एक बार आप जब लगाओगे तब आपको रिजल्ट पता चलेगा कि ये चीजें कितनी यूजफुल है, कितनी बेनिफिशियल है, और ये चीजें आपके लगाने से कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपके फेस की कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपको इसको फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 50% करीब करीब सुखा लेना है, यानी 10 मिनट कम से कम आपको लगा के रखना है, विंटर है जल्दी सूखेगा नहीं, तो 10 मिनट लगाने के बाद आप इसको हल्के हाथों से रब करोगे और आप देखना कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है। जब आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश करोगे तो आप देखोगे कितना शानदार रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट आप मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप जब रिजल्ट शेयर करते हो तभी दूसरे लोगों को भरोसा होता है। मैं अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये रेमेडी कितनी फायदेमंद लगी। तो ये रेमेडी आपको कितनी यूजफुल लगी, आपको मेरी रेमेडी कितनी पसंद आई, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो और मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियो जो कि रिजल्टफुल होती है देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।